हेलो फ्रेंड्स, सारे भाइयों ने राम राम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो व्लॉग है, आज है महाशिवरात्रि और दिन है संडे का। टाइम लगभग हो गया है 6:30 बजे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये अपना हुड्डा पार्क है, जेल वाला पार्क भी इसको बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे मंदिर है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। पीछे कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर। तो आज उस मंदिर का नज़ारा दिखाऊंगे हमने क्या है। तो भाई बड़ी मुश्किल तो यार गेरुए रंग की टी शर्ट मिली, अपने भाई की घरा पड़ी थी। यह पैर का आगे हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन है आज, तो इसलिए जो ईसाई रंग गेरुआ है बब्बा रंग, ये रंग बढ़िया अलग है। ये देखो भाई, आड़े जी भी भगवान जी बैठे हैं, गणेश भगवान यहाँ पे बैठे हैं। और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है, ये देखो ये पूजा कर रहे बच्चे और फैमिली पूजा कर रहे हैं इसकी, भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। आज तो मतलब थोड़ी बारिश हो रही है, जहाँ हमारे लोग नहीं दिख रहे पार्क में ना, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है इस पार्क में। ये देखो पहले इस पार्क की जगह पे जेल होती थी, जिला कारागार रोहतक, तो इसलिए हम तो इसको जेल वाला पार्क ही बोलते हैं। बाकी इसको हुड्डा पार्क भी बोलते हैं, जो कि है बस अड्डे के ठीक सामने, नए बस स्टैंड रोहतक के सामने है ये पार्क। और बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं इसमें। तो भाई अब कती बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी इस जेल वाले मंदिर में, जो कि पहले भी होता था और अभी भी है। मंदिर पहले भी था और अभी भी स्थापित है। और ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हो यहाँ पे, जेल के लगभग जितने कम हो सके उतने पेड़ काटे गए हैं, बाकी सबको सुरक्षित रखा है। देखो बहुत हरियाली है, चौगरदे के कहीं भी देख लो पूरा पेड़ ही पेड़ है। और ठीक है, अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रोड भी मट्टी भी पर घास भी पूरी आली है, वहाँ भिजन लाग रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो। वहाँ पे लोग पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हंसे है, कोई ताली बजावे है, और भागा दौड़ी भी खूब है यहाँ पे। रोहतक के सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं भाई, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे, तो पूरे साइकिल सुइकल पूरी चलावे हैं, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो ये देखो, ये है वो मंदिर, ये मंदिर है, पूजा चल रही है यहाँ पे। ये मंदिर है छोटा सा, तो इसके अंदर जाएंगे अभी, ठीक है। देखेंगे इसके अंदर जाके, वीडियो तो नहीं बनाएंगे, बाहर से देख लो ये बहुत है, ठीक है ना, वीडियो की जरूरत ना अंदर की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भाई अंदर लगाया है अपना
भोले पर जल चढ़ा दिया है और भोले पर जल चढ़ा दिया है आज सुबह सुबह शिवरात्रि पर। और ना तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लिया था मैं आज, क्योंकि यह वीडियो भी बनानी थी। तो शिवरात्रि का खास पर्व है ये, तो इसीलिए आज सुबह सुबह आपको मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। दिख रहे हैं भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है भोलेनाथ। हर हर महादेव। धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। यो पार्क है भाई, जेल कती बस स्टैंड के सामने, एक नंबर की जगह पे। और आज लग रहा है झड़, बिल्कुल रुक नहीं रही बारिश। और ये देखो, मतलब नेचर का तो शौक है, इसलिए कोई दिक्कत ना है बारिश की भी। बारिश ना झेल जाऊँगे आप, और इसे नज़ारे के बनेंगे फिरते। ये देखो बेंच बुंच बैठने के बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखो, पहले सारे मानसरोवर पार्क में जाया करते जुगर, करीब सब कुछ याडे आवे है। ये एक
फुहारा है भी लाग रहा है, ये देखो फुहारा सा। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। और बस ये मंदिर दिखाना था धरती, सारे भाइयों को ये मंदिर दिखाना था। और एक डिटेल्ड ब्लॉग बनाऊंगा कि इस पार्क का, जब सारे लोग अपना बढ़िया घूम रहे होंगे ना, जब सारे लोग यहाँ घूम रहे होंगे, जब एक बढ़िया ब्लॉग बनाऊंगे, दिखाऊंगे कैसे क्या फिटनेस कर रहे हैं सारे लोग। बारिश के माए थे और बारिश के माए उल्टे जान लाग रहे हैं। राम जी बिल्कुल नहीं डटा और नुए चले जाऊँगे हटते पूरा घूम फिर के अपना बढ़िया। अरे बापा, रस्सा मार देंगे अपनी गाड़ी पे। ठीक है, फिर करियो वीडियो ने लाइक, जो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।